यह मामला मध्य प्रदेश सिंगरौली जिले के सरई तहसील अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सड़क गजराबाहरा से ठरक ठेला दियागढ़ई पोखरी टोला होते हुए गोडबहरा की ओर जाने वाले रोड का है, जिसमें नल जल योजना के द्वारा पाइपलाइन का काम रोड काटकर पाइप डाल दिया गया, लेकिन गड्ढों को कंक्रीट यानी RCC करना चाहिए, जो नहीं किया गया। बारिश होने से गड्ढा धीरे धीरे ज्यादा होते जा रहा है, जिससे आए दिन लंबी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए फोन पर जिला पंचायत सदस्य राय सिंह मरावी एवं सरपंच छोटेलाल सिंह पोखरी टोला पंचायत से किया गया। यह वीडियो गजराबाहरा से गोडबाहरा तक गड्ढे का है। तो भैया, आपका शुभ परिचय जान सकते हैं क्या? जी, मेरा नाम मनमोहन सिंह है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, ट्रक ठेला का। जी, तो मनमोहन सिंह जी, बताएं इस रोड के संबंध में क्या कहना रहेगा, क्या कुछ ज्यादा समस्या है इसको लेकर? पहले तो ये रोड जो है तो सही था। अच्छा, अब थोड़ा दिन पहले पाइपलाइन वाला जो ठेकेदार है पाइप क्रॉस करवाया इसमें, इसके बाद गड्ढा खुदवा दिया। अच्छा, फिर से गड्ढा इतना ज्यादा धीरे धीरे होते जा रहा है कि आने जाने में बहुत समस्या जा रहा है। अच्छा, और इसको बनवा देना चाहिए, लेकिन ठेकेदार बनवाया नहीं जी। अब समस्या जो है तो आने जाने वाले को हमेशा पड़ रहा है जी। मतलब इसको RCC कर देना चाहिए था RCC, लेकिन ठेकेदार करवाया नहीं। अच्छा, तो ये नल जल योजना के तहत जो पाइप लाइन वाला काम हुआ? जी, नल जल वाला है। अच्छा, लोकल गांव में गया है सब जी, वही वाला है, लेकिन काम नहीं हुआ जी। जी, हीरा लाल पनिका जी, बताएं इस रोड के संबंध में, ये गड्ढे के संबंध में क्या कहना रहेगा? पाइप लाइन में खना गया, इसको बनवाना जरूरी है सर। अच्छा, तो बन जाएगा तो सबको नुकसान ही है, इसमें बहुत जन का घटना भी हो सकता है। अच्छा, तो बनवाना बहुत जरूरी है जी। ये किसका गलती हो सकता है? सब ठेकेदारों की गलती है, वो किसका है। अच्छा, तो इसको जल्दी बनवाया जाए, यही कहना है। अच्छा, जिला सदस्य राय सिंह मरावी जी से बात हो रहा है सर? जी, राय सिंह मरावी जी से बात हो रहा है। जी जी, लोकल न्यूज ऑफ इंडिया से मैं ठाईलाल बोल रहा हूँ सर। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, ये जो गजराबाहरा से चलकर गोडवाहरा की ओर जाने वाला जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है जी, इस वक्त हम राधिका चौराहा बकहोल पंचायत के अंतर्गत जो राधिका चौराहा तिराहा है सर, वहीं से खड़े हैं, और यहाँ के जनता के द्वारा यह बताया जा रहा है कि जो पाइपलाइन के द्वारा जो काम कराया गया है नल जल योजना के तहत, इसमें रोड काट कर पाइप तो निकाल लिए हैं और गड्ढा मतलब जैसा तैसा ही पड़ा है, इसमें आए दिन कोई दुर्घटना होने की आशंकाएं हैं सर, तो इस विषय में आपका क्या कहना रहेगा सर? नहीं नहीं, दुर्घटना तो वास्तविक तौर पे वहाँ घटना घटित घट सकता है, क्योंकि मैं भी उस रोड से गुजरा हूँ जी सर, और एक नहीं तीन तीन जगह पे वहाँ रोड को काट दिया गया है और बुरी तरह से गड्ढा होते जा रहा है। बारिश की झिकझिकाहट से गाड़ियाँ चल रहे हैं और वो जो मिट्टी डाला गया था वो मिट्टी हमेशा दबते जा रहा है जी जी, और पूरी तरह से वो खंडहर गड्ढा हो गया है। उसमें बाइक तो ऑलरेडी मान लीजिए कि गिरना तय है जी सर जी, और गिरेंगे तो बहुत अनहोनी हो सकता है। बिल्कुल सर, और इससे हम भी चाह रहे हैं कि चाहे पाइपलाइन वाला के द्वारा किया गया हो, नल जल के माध्यम से जो पाइपलाइन बिछाया गया है जी सर, इसके द्वारा अगर उसको खोदा गया है तो खोदने के बाद अपनी पाइप लगाइन बिछा करके फिर उसको कंक्रीट कर देना चाहिए, बिल्कुल, ताकि किसी भी प्रकार का किसी को नुकसानी उसमें ना हो, जानी माल का जी जी। लेकिन वो अपना काम निकाले और चले गए, उस पर किसी का निगाह नजर नहीं था। मैं भी चाहा कि इसको कौन खोदा है, किसके माध्यम से खुदाई की गई है जी सर, अब खोदा है और इसको बना देना चाहिए बिल्कुल, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किसके माध्यम से ये खुदाई की गई है जी जी। नहीं सर, क्या है कि चूंकि मैं मौके पे हूँ और यहाँ के एकाक दो चार जनता जो हैं ये बता रहे हैं कि नल जल योजना के तहत जो पाइपलाइन का काम कराया गया है उसके द्वारा ये मतलब गड्ढा खना गया और गड्ढा खनने के बाद पाइप निकाल लिया है, लेकिन उसे सर कंक्रीट नहीं किया गया है। नहीं तो उसको कंक्रीट तुरंत करना चाहिए जी सर जी, अगर कंक्रीट नहीं हुआ है तो तुरंत वो करे, नहीं करेगा तो किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो उसकी जवाबदार उसको होना पड़ेगा जी सर। यह कितने महीने से लगभग गड्ढा होगा सर? अरे वो तीनों महीना से मैं देख रहा हूँ कि गड्ढा है जी जी जी, मैं गुजरा हूँ जी, तीनों महीना से गड्ढा है जी सर, और मैं कई बार कोशिश किया कि मैं इन लोगों को पा जाऊँ और बता दूँ, समझा दूँ कि भाई इसको गड्ढे को ठीक आप कर लो जी जी,
आपका काम हो गया है तो अगला जो काम सही था उसको सही कर दो। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन अभी तक वो मिल नहीं पाए। जी जी, चलिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर। हेलो, हाँ जी, पोखरी टोला पंचायत से सरपंच छोटे लाल से बात हो रहा है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ पोखरी टोला से सरपंच छोटे लाल से। जी, ये जो नल जल विभाग वाले जितने प्रधानमंत्री रोड में जी, या अथवा प्रधानमंत्री ने ग्रामीण रोड है, PCC है जी, उसमें लोग गड्ढा कर दिए हैं, पाइप पार किए हैं, लेकिन गड्ढा के बाद उसका कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की है। जी जी, तो आने जाने में आदमी को अचानक कहीं अटैक होता उसी में जी, तो हाथ पर गिर के हाथ पर टूटने का भी शंका है उसमें। जी सर जी, तो मतलब यही रहा कि वो लोग हमें अपना काम पूरा करें जी, रास्ते में गड्ढा है, अचानक कोई आता है, एक बार तो गए, दूसरी बार तो आए नहीं। जी सर, अब ब्रेकर अगर होता तो ब्रेकर से आदमी पहचान रहा कि नहीं एंटर ब्रेकर है। जी जी, लेकिन बीच में गड्ढा खोद दिए हैं, तो भाई गड्ढा का तो ये होना चाहिए। जी प्रधान जी, तो यही रही कहना हम लोगों का कि नहीं उसका तत्काल रिपेयरिंग करें। जी सर, जहाँ डामरिंग है तो डामरिंग कर दे, जहाँ PCC है तो PCC कर दे। जी जी, नहीं तो आए दिन उसमें आदमी के एक्सीडेंट, भाई जान जाने का भी शंका है। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रधान जी यह लगभग कितने महीने से गड्ढा पड़ा है? अरे पचवा छठवा, अरे छठवा आठवा महीने में तो खोदे हैं। जी जी, पाइप साहब बैठाए हैं। जी, तो आज हो गए क्या कहते हैं आठवा महीना। जी जी, तो दो तीन महीने हो गए। अच्छा अच्छा, तो यही रहा कि कम से कम उसका मरम्मत करें वो। जी, तो यही रही बात। जी प्रधान जी, आपके ये पोखरी टोला पंचायत के अंदर लगभग कितने जगह कटा होगा सर? इसमें कटा है जी 1, 2, 3 जी, लगभग 5 जगह कटा है। जी जी, रोड पार किए हैं। जी सर जी जी, तो उसका भाई वो नहीं करेंगे थे, इसमें तो आए दिन बहुत घटना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, ठीक प्रधान जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है।